नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त मैं झारखंड विधानसभा के बाहर हूं। अब से थोड़ी ही देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे से लगातार बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ठीक इसी समय हमने यहाँ से एक तस्वीर दिखाई थी विधानसभा के बाहर से कि किस तरह से बीजेपी के विधायक बड़ा सा पोस्टर लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो मांग याद दिला रहे थे मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन की सरकार को, जो वादा करके सरकार में वे आए थे। और उसके बाद जब दूसरी पाली सदन की शुरू हुई तब बीजेपी के विधायक वो पोस्टर लेकर अंदर भी चले गए, और जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष आहत हुए और सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल मतलब आज तक के लिए, आज सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और अब आज सुबह भी वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जब सदन की कार्रवाई स्थगित की गई तब वेल में सभी भाजपा के विधायक धरना पर बैठे रहे और देर रात तक उन विधायकों को वेल से बाहर निकाल दिया गया और यहाँ बरामदे में जो है भाजपा के विधायक रात भर डटे रहे। और आज सुबह से भी वो प्रदर्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बरामदा है मेरे पीछे, इसी बरामदे में रात बिताई है भाजपा के विधायकों ने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं विधानसभा के बाहर से। अब से थोड़ी देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और उससे पहले ये नज़ारा है। हमारे साथ रणधीर सिंह हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर सके। रात भर रणधीर सिंह भी यहाँ पर थे, भाजपा के तमाम विधायक मौजूद थे, उन्हें देर रात मार्शल आउट किया गया, वेल के अंदर से बाहर निकाला गया, उसके बाद बरामदे में आया और बरामदे में आने के बाद वहीं पर उन्होंने तमाम भाजपा के विधायकों ने रात बिताई है। दरअसल इनकी जो मांगे थी वो मांग ये थी कि जिस तरह से परमानेंट करने की बात सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने की थी, वो मांग जो है अब पूरी क्यों नहीं हुई है। इसके साथ साथ 5 लाख नौकरी की बात, बेरोजगारी भत्ता की बात, ये तमाम बातें थी जिसे लेकर यहाँ पर भाजपा के विधायक पिछले 24 घंटे से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के साथ साथ आजसू के विधायक भी इसमें शामिल हैं। हमारे साथ रणधीर सिंह हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप लगातार देखें विधानसभा के बाहर से कि क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ की, ये तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। हमारे साथ रणधीर सिंह हैं, सारठ के विधायक। रात भर आप लोग वेल में रहे, देर रात बाहर निकाल दिया गया, मार्शल आउट किया गया, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उठाकर बाहर किया गया, कैसी बीती रात आपकी? देखिए, जिन मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और एक मार्शल के हजार बार मार्शल आउट करेगा, हम लोग मार्शल आउट कराने के लिए तैयार हैं। और ये सरकार इतनी गूंगी बहरी सरकार हो गई है, झूठी घोषणा भी सरकार हो गई है, बयान भी सरकार हो गई है कि एक भी वादे कोई सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूँ, एक भी नौजवानों को सरकार ने रोजगार नहीं दिया। सालाना 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार आज अगर ये 28 को बहाली निकालता है तो 17 नौजवानों को दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी देने का काम सरकार कर रही है। इसे ये सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी भत्ता का जो वादा इन्होंने किया था, राज्य के लाखों युवाओं को रजिस्ट्रेशन करा लिया, बेरोजगारी भत्ता सरकार ने नहीं दिया। पार्टी भाइयों को वेतनमान देने का बात किया था, सिर्फ नाम बदल दिया, वेतनमान आज तक नहीं दिया, वो भी मुद्दे लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कृषक मित्र भाई जिनको मानदेय सरकार ने आज तक लागू नहीं किया, वो मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जल सैया बहनों का 4 साल से सरकार ने मानदेय रोक दिया है, उस लड़ाई को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सैया साथी सैया बहनों को जो प्रोत्साहन राशि सरकार ने रोक दिया, उनको मानदेय नहीं दे रही सरकार, उस मुद्दे को हम लोग लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। संविदा कर्मी, मनरेगा कर्मी, अनुबंध कर्मचारी के बारे में सरकार ने कहा था, हेमंत जी ने कहा था कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो अनुबंध शब्द हटा देगी, उनको अस्थायी कर देंगे, कभी अस्थायी करेंगे, ये भी मांगों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पंचायत सेवक रोजगार सेवक का मामला है, उनको अस्थायी करने का मामला है, उनको वेतनमान देने का मामला है, वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जेएनएम वाहनों का वेतनमान का मामला है, वो लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी आज रोड पर उतरा हुआ है, उनका वेतनमान का मामला है। सहायक पुलिसकर्मी का वेतनमान का मामला है। और हमारे पंचायत सेवक जी की सरकार में जो पंचायत स्वयं सेवक संघ जो बनाए गए थे, जो लगातार पंचायतों में काम कर रहे हैं, आज उनका 4 साल से वेतनमान प्रोत्साहन राशि सरकार नहीं दिया, घोषणा करके सरकार पीछे हट गई। ऐसे अनेक मुद्दे हैं,
हमारे महिला सखी मंडल जो लाखों की संख्या में इस राज्य में है, उनको किसी भी तरह का सरकारी लाभ सरकार नहीं दे रही है। आज हमारी सखी मंडल की बहनें उदासीन भाव में काम कर रही है। हमारे पोषण सखी बहनों को 15,000 पोषण सखी बहनों को सरकार ने हटा दिया, 10,000 तेजस्वी बहनों को सरकार ने हटा दिया। आज वो रोड पर उतर गए, उनके मांग को, उनको फिर से नियोजन की मांग को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 24 घंटे से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? ये जब तक मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देंगे, जब तक सरकार घोषणा नहीं करेगी कब तक हम करेंगे। मुझे हम लोग को नहीं लगता है सरकार करने वाली है। आज तो मुख्यमंत्री जी सुनने में आया कि संधार पर भाग गए, तो ये सरकार करने वाली नहीं है। बट हम राज्य के युवाओं को करते हैं कि आने वाले समय में एनडीए की सत्ता की वापसी करवाइए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सत्ता में आएगी और आपको ये सारी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, स्थायी समाधान करेंगे। अनुबंध कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी और कर्मिक और ये जो हमारे जितने भी कर्मिक हैं, इनको सबको स्थायी करेंगे और वेतनमान भी देंगे सबको, और कृषक मित्र को भी मानदेय हम लोग देंगे, जो सैया बहनों को भी मानदेय देंगे, ये सारे सैया बहनों को मानदेय देंगे। ये सारी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी इस बार घोषणा पत्र में डालने जा रही है और हम लोग इसको सारी समस्या का समाधान सत्ता में आने बात करेंगे, क्योंकि सरकार से हम लोग को आशा नहीं है। जब 24 घंटा विधायक यहाँ घुसते हम लोग को लड़ाई लड़ने के बाद भी सरकार जवाब नहीं देती है, समझ जाइए। स्पीकर यहाँ दमनकारी नीति चला रहा है, जिस तरह से हम लोग को बाहर किया गया, जिस तरह से विधायकों को उठा उठा के बाहर फेंका गया, ये लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है झारखंड के लिए। और झारखंड की युवाओं की आवाज को जब हम लोग उठाते हैं तो सरकार सुनना नहीं चाहती है। ठीक, तो बिल्कुल, ये सारठ के विधायक रणधीर सिंह थे जो पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी देखिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता आए हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं इस मसले पर, सुनिए। हवा बनना चाहते हैं लेकिन हवा बनने वाला नहीं है। कैसे मनाएंगे बीजेपी के विधायकों को? मनाना क्या है, इन लोगों को काम ही नहीं है, क्योंकि 5 साल सरकार में पहले थे, कोई काम किए नहीं, आप फिर करेंगे नहीं। ये लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या किए? हम लोग टीचर के बहाली किए, इसके साथ साथ जेपीएससी में बहाली किए, कई हजार नियुक्तियां हुआ, गैर सरकारी में हुआ, मैया सम्मान योजना शुरू किए हैं। विधायक बोल रहे हैं रात भर गुजारने के बाद और मजबूत हो गए हैं। वो 2024 के जो सामान्य इलेक्शन होगा ना, वो सब सो जाएंगे। मंत्री जी कल के प्रदर्शन को क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं और इसके अलावा लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है और ये तस्वीर लगातार हम झारखंड विधानसभा के बाहर से आपको दिखा रहे हैं।